जहानिया मुमताज़ हुसैन जोया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानीवाल वसीम हामिद संधू की हिदायत पर तहसील कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। कसीर तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर ने की। इस मौके पर नायब तहसीलदार हाजी मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मुदस्सिर खान और उनका मातहत रेवेन्यू अमला 2 बजे तक एक ही छत के नीचे मौजूद रहा। इस दौरान दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का फौरी अजरा और रेवेन्यू के मुताबिक दीगर मामला के बारे में बरवक्त सहूलियात फराहम की गई। इस दौरान खुद असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर ने दर्जनों क्लाइंट्स के मसाइल सुने और खसूसन बुजुर्गों और खवातीन के मसाइल के बारे में फौरी कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत की। उन्होंने डोमिसाइल ब्रांच को हिदायत की कि जो भी साइल डोमिसाइल के लिए आए साइल को आज ही पहली फुर्सत में डोमिसाइल का अजरा करें। मजीद उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत खुली कचहरी के निकात का मकसद एक ही छत के तले नीचे मसाइल सुनना और फौरी रिलीफ देना है। अवामी खिदमत खुली कचहरी में बरवक्त सहूलियात मिलने पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानीवाल वसीम हामिद संधू और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर के अवाम दोस्त का इंतजाम को सराहा। इस मौके पर गिरदावर हल्का वासिल बाकी नवीस, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ और कसी तादाद में साइलिन भी मौजूद थे।